पहले एक दो और कर लेते हैं कि भाई इंसर्ट लिखो, इंसर्ट पाई ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट पाई ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन थ्री एंड 2187, इसके बीच में हमें पांच ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर, वी हैव टू इंसर्ट फाइव ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट टर्म है आपका 2187, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है फाइव, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है फाइव। सेवन टू नाइन की पावर 1/6, ना 729 3 की पावर 6 होता है। गुड आफ्टरनून सर, तो इसका कॉमन रेशियो आ गया 3, इसका हमारा कॉमन रेशियो जो कल बताया था फॉर्मूला उससे 3 आ गया। पांच नंबर इंसर्ट करने थे, अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जी टू, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन ए आर स्क्वायर 27, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन 81, फोर्थ ज्योमेट्रिक 243, और फिर ज्योमेट्रिक मीन 720। सो दी जाता है फाइव ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारे पांच ज्योमेट्रिक मीन आ गए 3 एंड 2187 के बीच। थ्री की पावर फाइव थोड़ी होती है। लिखिए भाई ये फर्स्ट प्रॉब्लम। अब बेटा कल से डाउट क्लास है आपकी, डाउट क्लास भी रख रखी है, आज भी शुरू हो जाएगा, 2 बजे से लेकर 9 बजे तक डाउट क्लास चलेगी ऑनलाइन। किसी को डाउट पूछना है तो 2 से 2:30 के बीच में पूछ सकते, 2 to 2:30, फिर बाकी आप आराम से आप क्लास में आ जाइए। पूछते तो ये डाउट क्लास का टाइम है। अब इस डाउट क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप पूछ सकते। नेक्स्ट बेटा इसको डिस्कस करो, मैं फाड़ के फेंक दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। तेरे को देने की अभी क्या जरूरत आ रही थी, बाद में नहीं दे सकती तू? फिर यहां पर मैं हर बार देख रहा हूं तुम कॉपी कॉपी खेल रहे हो, कभी उसकी कॉपी ले कभी इसकी कॉपी चाहिए, फिर मजाक समझ रखा है कि क्लास को? अभी बैठ के फिजिक्स पूछ रहा है, बिल्कुल भी अकल नहीं है।
क्या रोजाना डांट खाने की इच्छा होती है तुम्हारी? चीजों को मजाक बना रखा तुमने। मजाक समझ रहा है कि तुम्हें यहाँ तक पढ़ने को तो पढ़ने आना है, उनको तो पढ़ने दो, उनको दोस्ती नहीं मानना रहे, जो पढ़ने आ रहा है उनको तो पढ़ने दो। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर्स डिस्टेंस टाइम दे ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि टू ग्रेट द नंबर 3 + 2 √2 नंबर्स आर इन द रेशियो दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या बताया था? दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, रूट ए बी, रूट ए बी। दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। ए प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी। आपसे क्या बोला, लेट टू नंबर्स, पहले दो नंबर मार्क करो, बी ए सम ऑफ टू नंबर्स दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। Sum of two number is 6 times the ज्योमेट्रिक मीन। ए प्लस बी, इसको मैं लिखूंगा बेटा 3 × 2 =
भाई सिक्स को मैं थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू टू डे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी इक्वल टू थ्री अपॉन अप्लाई ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी ये कॉम्पोनेंट ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ये डिविडेंड है a plus b plus 2 root ab upon a plus b minus 2 root ab component and dividend by component ko paata hai numerator plus denominator numerator minus b plus c minus kya ho gaya bhai a plus b plus 2 root ab is equal to a plus b रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया फोर बाय टू। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू टू अपॉन टेकिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लीजिए, इधर का स्क्वायर रूट लिया रूट ए प्लस रूट बी प्लस का स्क्वायर रूट लिया रूट ए माइनस रूट बी दिस इज इक्वल टू टू बाय फोर। यहां तक देख लीजिए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट टू बाई ऑनलाइन किसी को दिक्कत? आयुषी बोलो बेटा। नो सर। जानवी? सर ये स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया बस। बस और क्या, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट का मतलब है जैसे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट गया, इसका भी लेंगे तो स्क्वायर हट गया रूट टू। वन अगेन अप्लाइंग सीएम, अगेन अप्लाइंग सीएम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इसको सब पे करोगे तो इधर रूट टू प्लस वन अपॉन रूट रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट, तो रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया टू रूट, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस माइनस प्लस रूट बी तो आ गया टू रूट। अरे तुम अपना काम करो ना, क्यों बैठी हुई है ऊपर? रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन, अलग से है ना करूंगा बंद कर लिया तो अलग से बेंचे लगा देते हैं बाहर उधर, ताकि क्या क्लास में नहीं तो तुम क्या है वो पढ़ रहा है ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया उसको कि क्या करना। स्क्वायर क्लोज साइड देखो भी क्या पार्टी क्लास खाली नहीं हुई इस रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, अब ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू
एक बार देख लीजिए, फिर जहां पर दिक्कत है वहां पर बोलिए। अब इस टाइप का एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूं। सर ये अप्लाइंग सीएनडी के बाद समझा दो। पहला सीएनडी के दूसरा सीएनडी दूसरा बताओ। सीएनडी क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक। सीएनडी होता है अगेन अप्लाइंग सीएनडी। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस। न्यूमरेटर प्लस वन अपॉन गियर लगाया भाई हमने सीन तो ऊपर आ गया तो नीचे आ गया तो आप क्या करिए स्क्वायरिंग करो भाई। ए अपॉन बी चाहिए मुझे स्क्वायरिंग बोर्ड से। स्क्वायरिंग बोर्ड से रूट ए का स्क्वायर ए इधर रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे आ गया रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू बिल्कुल एक और इस टाइप की प्रॉब्लम कर रहा है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए क्या रखना है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो पहले बोलता ना बेटा वो इधर चेंज नहीं था अब आएगी आवाज साफ। अब बोल। यस सर। वो इधर से एक स्पीकर दूसरी जगह लगा हुआ बता दिया करो ये ऐसे नहीं आएगा। देखो अर्थमेटिक मीन हो टू नंबर्स ए ग्रेटर देन बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी is twice the geometric mean, then prove that A ratio B is equal to 2 plus root 3 ratio 2 minus root 3. 2 plus root 3 ratio 2 minus root 3. नंबर्स तो आपको गिवन है और भी तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
Now, what is arithmetic mean? Given है मेरा ना a plus b by 2. Twice of geometric mean root a. Arithmetic mean a plus b by 2 is equal to 2 root a. अब सिर्फ रूट ए बी को इधर ले आओ ताकि ये टू रूट ए बी बन जाए जैसे पिछले वाली प्रॉब्लम में किया था. रूट ए बी को अपॉन में लिया. अब क्या करेंगे बताइए. बोलो वेदिका क्या कर रहा था अभी पिछले वाले में. इसके बाद क्या अप्लाई किया था. सी एन डी. क्या अप्लाई करेंगे. सी एन डी. अप्लाइंग सी एन डी. तो सी एन डी अप्लाई किया तो ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी दिस इज इक्वल टू टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन. तो ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर थ्री अपॉन. Now taking square root both sides. Root a plus root b upon root a minus root b. Root three upon. ये हमने इसका square root ले लिया. फिर again applying. सी एन डी. अब देखो बेटा एक चीज बताता हूँ जो मैंने तुम्हें समझाई पहले बार लिखवाया था. क्या होता है जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है सी एन डी लगाते हैं तो ऊपर तो इसका डबल आता है और नीचे इसका डबल आता है. ऊपर इसका डबल आता है और नीचे इसका डबल आता है. ऊपर इसका डबल आएगा तो कितना होगा टू रूट और नीचे इसका डबल आएगा तो टू रूट. ऐसा किसको ना 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 उसको तो रिमूव कर दिया मैंने ग्रुप से रिमूव कर दिया. सीरियसली नहीं लेता कभी भी. आता मस्ती में आता बिल्कुल मस्ती में आ रहा चीजें को सीरियसली नहीं ले रहा और तुम भी नहीं ले रहे उसके साथ में सीरियसली. मैं आने एक दिन की बात नहीं मैं इसको पांच दिन बाद देख चुका हूँ. कॉपी कॉपी खेलते रहते हैं. ये इसको कॉपी ट्रांसफर करती है वो उसकी कॉपी देखता है ये इसकी कॉपी देखती है. क्या मजाक चल रहा है यार क्लास में. और एक दिन की बात नहीं वो तो है ना कॉपी छीनेगा और लिखने लग जाएगा. चार बार देखा मैंने. ऐसी भी क्या दोस्ती है यार जो क्लास में आकर कॉपी कॉपी खेल रहा है. बच्चे हो गए स्क्वायरिंग बोथ साइड ए अपॉन बी इधर आ गया रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर और नीचे आ गया रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर. और ये आ गया थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री. ये आ गया फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर माइनस टू रूट थ्री. हो गया प्रूफ. ये सब प्रूफ बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी कोई अंतर नहीं था. सही सेम काम करना. किसी को दिक्कत आप ऑनलाइन. नो सर. नो सर.
नेक्स्ट ये अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशियो m is to n or in the ratio m is to n, then prove that numbers are in the ratio m plus under root of m square minus n square, m minus under root of m square minus n. ये हमें रेशियो निकालना है. कि ये उन नंबर्स का रेशियो जो भी नंबर है आपको. So let two numbers be a and b. ए ग्रेटर देन बी मान लेता हूं कि ए बी से बड़ा. अब आपको गिवन है अरिथमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एम अपॉन एन. दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो एम अपॉन एन. नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? ए प्लस बी बाय टू. और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी एम अपॉन. तो ये आ गया ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए. बिल्कुल वही काम करना है जो पहले किया, कोई अंतर नहीं है. सेम अगेन अप्लाइंग सी एंड डी. ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन. m plus n upon m minus n. bhai numerator plus denominator upon numerator minus denominator, numerator plus denominator upon numerator minus denominator. to ye aa gaya aapka root a plus root b ka अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन टेकिंग स्क्वायर रूट. बोथ साइड तो ऊपर का स्क्वायर रूट लिया रूट ए प्लस रूट बी, नीचे स्क्वायर रूट लिया रूट ए माइनस रूट बी अंडर रूट एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट एम माइनस एन. अंडर रूट एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट एम माइनस एन. यहां तक कोई दिक्कत? अगेन अप्लाइंग सी एन. अगेन अप्लाइंग सी एन डी. मैंने क्या बोला था? जब इधर सी एन डी लगाएंगे तो ऊपर किसका डबल आएगा? रूट ए. और नीचे और इधर हो गया रूट एम प्लस एन प्लस रूट और नीचे आ गया रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन. टू से टू क्या हो गया? कैंसिल. स्क्वायरिंग बोथ साइड ए अपॉन बी इसका होल स्क्वायर. होल स्क्वायर कैसा आएगा? पहले इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर और प्लस टू ए बी, नीचे माइनस टू ए बी, तो ये आ गया ए अपॉन बी इक्वल टू टू एम प्लस टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, टू एम माइनस टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऊपर क्या कॉमन आ गया टू, क्या यही प्रूव करना था? देखो ये इसका रेशियो आया, ये समझ में? ऑनलाइन लिख लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, गया क्या वो लड़का बाहर खड़ा है अभी तक खड़ा है, उससे बोलना आ जा, लेकिन करना सर की मम्मी से बात करवा देना आज, कभी बुला के लाना मत लाना। अगला लिखो, फाइंड टू नंबर्स सच दैट, फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर अरिथमेटिक मीन इज 34 and geometric mean is 16. Arithmetic mean 34 है और geometric mean 16. दो नंबर निकालने हैं जिनके arithmetic mean 34 है और geometric mean 16. So let two numbers be a and b. X and y ले लो, yellow x and y. ना अर्थमेटिक मीन 34 है, क्या होगा अर्थमेटिक मीन? ए प्लस बी बाय टू। अभी आप एक्स और वाई लिया तो एक्स प्लस वाई बाय टू बोलो, तो एक्स प्लस वाई हो गया आपका 68। तो यहां से वाई की वैल्यू देखो, या तो ऐसे लिखो भाई, छोड़ दो चलो फर्स्ट इक्वेशन, फिर ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है, क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन? अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई। स्क्वायरिंग करो, एक्स वाई इक्वल टू 256। अब दो तरीके हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी? देखो वाई का वैल्यू आ गया 256 वाई, ये रख दो फर्स्ट। एक तो मेथड ये,
ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 256 इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम 68 के इक्वल आ रहा है और फैक्टर 256 हो रहा है। बोलिए भाई, 16 16, टू इधर गया, 8 टू इधर गया, वो तो गया